हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी यजू हब ऑनलाइन क्लासेज 11th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें खोज उपनाम कौन सी सेल्स में पाया जाता है, कौन सी में नहीं पाया जाता, कौन सी कोशिकाओं में सबसे पहले इसको देखा गया, इसके फंक्शंस कौन कौन से कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। आज इसकी स्ट्रक्चर संरचना, इसकी जो संरचना होती है वो चपटी थैलेनुमा रचनाओं से मिलकर बनी होती है। चपटी थैलेनुमा संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। यह केंद्रक जो होता है जस्ट उसके पास में स्थित होती है। जैसे यहां पर केंद्रक होता है, चारों तरफ इसके सेल वॉल कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली जो भी है वो इसके चारों तरफ रहती है। ये साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कोशिका द्रव, और ये है इसका केंद्रक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है जिसके जस्ट पास में ये पाई जाती है। अभी सिर्फ इसको बड़ा दिखाया हुआ है क्योंकि हम पड़ी गोल्गी बॉडी रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है। ये यहाँ पर चपटी थैलेनुमा संरचनाएं जो होती हैं, ये रचनाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, गोल्गी बॉडी का। गोल्गी बॉडी ये संरचनाएं जो होती हैं ये आपस में एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। जिस प्रकार से हम सिक्के जो होते हैं उनको एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं और उनका जट्टा जो बन जाता है, उसी अकॉर्डिंग एक के ऊपर दूसरा ऐसे चट्टे के रूप में ये लगी रहती है। इसमें तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो कि मिलकर इसका निर्माण करती हैं। सबसे पहले इसमें होती है सिस्टर्नी, मेन जो पार्ट है इसका वो सिस्टर्नी होता है, जिसको कुंडिकाएं कहते हैं। ये थैलेनुमा चपटी जो रचनाएं हैं ये मुख्य रूप से कौन सी होती हैं, इसमें कुंडिकाएं या फिर सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है इनकी संख्या सिंगल गोल्गी बॉडी के अंदर, यानी एक गोल्जी को या एक गोल्गी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी की संख्या जो होती है वो 3 से 12 तक होती है। कोई भी गोल्गी बॉडी जो पाया जाता है उसके अंदर सिस्टर्नी की संख्या 3 हो सकती है, 3 से लेकर 12 तक, 4, 5, 6, 7 जितने भी हैं ये बीच में इसके हो सकती है। सिस्टर्नी जो है इसके दो भाग हैं, एक पार्ट है ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला जो पार्ट है वो उत्तल क्षेत्र बोलते हैं उसको, उत्तल भाग। नीचे वाला जो पार्ट है उसको अवतल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है जो कि केंद्रक के पास में स्थित है, ये वाला पार्ट उत्तल, इस उत्तल वाले भाग को बोलते हैं सिस फेस, तो बोलते हैं इसको सिस फेस बोलते हैं, सिस फेस। जस्ट नीचे वाला लास्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हो गया इसका अवतल भाग। अवतल भाग जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांस फेस, लिखा हुआ है ये वाला पार्ट जो है इसको ट्रांस फेस बोला जाता है। इसके अलावा इसकी जो संरचना है उसमें सिस्टर्नी के अलावा दो प्रकार की संरचनाएं और पाई जाती हैं जो कि इसके चारों तरफ रहती हैं। सिस्टर्नी जो है मेन, इसके चारों तरफ से इसको दो संरचनाएं और घेरे रहती हैं, जिनको हम कहते हैं सबसे पहले इसमें वेसिकल्स होती है, वेसिकल पुट्टिकाएं कहते हैं, दूसरी ट्यूबुल्स नलिकाएं। ये दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो कि सिस्टर्नी को दोनों तरफ से चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं। यानी कि मुख्य जो भाग है इसका वो कौन बनाता है, सिस्टर्नी, और इसके बाह्य जो भाग है जो कि चारों तरफ से इसके चारों तरफ सर्किल रूप में राउंड रूप में पाई जाती है वो इसमें होती है वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। इस प्रकार से जो गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। मध्य में सिस्टर्नी होती है जिसके दो भाग हैं, ऊपर उत्तल भाग है जो कि कहलाता है सिस फेस, जो पास में किसके होता है, केंद्रक के पास होता है।
जबकि दूसरा जो भाग है वो इसमें उत्तल भाग है, जिसे हम ट्रांसफेस कहते हैं। और ट्रांसफेस जो होता है वो किसके पास स्थित होता है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला जो होती है उसके पास स्थित रहता है। वो चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहती है, ट्यूबुल्स और इसमें वेसिकल्स। इस प्रकार से गोल्गी बॉडी का सामान्य परिचय, इसके फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।